बुधवार को छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई हाईकोर्ट के डबल बेंच में की गई। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया, जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। ये जानकारी अमिताश वत्स ने दी है, जो प्रार्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे थे। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पेपर वन का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, कुमारी सुगंधा, अपरजिता भारद्वाज, तान्या सिंह, इंद्रजीत सिन्हा, अपर्णा मिश्रा, अधिवक्ता सुमित गदोड़िया प्रार्थियों के अधिवक्ता हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।